वाओ अमेजिंग, ये वॉल हैंगिंग किससे बना है? लेट्स सी। वेलकम टू हैंडक्राफ्ट एंड फन चैनल। सो लेट्स सी द प्रोसीजर और ट्यूटोरियल ऑफ दिस ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग। सो कुछ मैंने वेस्ट मोबाइल के बॉक्स लिए जो अनयूज्ड है, मैं यूज़ नहीं करती, तो वो मोस्टली मोबाइल के बॉक्स है जो वो हार्ड होते हैं, उसका कार्डबोर्ड बहुत हार्ड टेक्सचर का होता है, और एक जूट रोप और एक सिंथेटिक ग्लू। मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स लिए हैं और उसको सिंपली जूट रोप से मैंने स्टिक किए हैं, जूट रोप की हेल्प से उसको अटैच किए हैं। जूट रोप मैंने सिंथेटिक ग्लू से अटैच किया है, पहले एक साइड से करते उस तरीके से मैंने चारों साइड से उसको अटैच कर लिया है, और अच्छी पकड़ देने के लिए मैंने उसको मास्किंग टेप से राउंड सील कर लिया है। उसके बाद मैंने उसको जेसो और कोई भी गाढ़ा वाइट कलर या एशियन पेंट का प्राइमर से पेंट किया। उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे, मेरी वॉल वाइट कलर की है या किसी डार्क कलर की होगी तो आप कोई भी लाइट शेड ले सकते हो। मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू शेड से उसको अक्रेलिक कलर से पेंट करके पूरा पेंट कर दिया वो बॉक्स को। उसके बाद मैंने वहाँ पे कुछ गुड थॉट्स लिखे, जैसे कि गुड वाइब्स ओनली, और एक साइड मैंने सोचा कि थॉट्स लिखूंगी, तो मैंने एक साइड थॉट्स लिखे हैं और दूसरी साइड स्मॉल ट्रेडिशनल डिज़ाइन निकालूंगी। तो जो मैंने थॉट्स निकाले थे उसको मैंने शेडो लाइट येलो कलर से दिए हैं। देन जो दूसरी साइड्स है उस पर मैं ट्रेडिशनल डिज़ाइन निकालूंगी। 3 बॉक्स है तो मैं 3 अलग अलग स्मॉल और फाइन डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी, वो भी अपोजिट कलर से, अक्रेलिक ब्लैक कलर से। बॉक्स को वार्निश देना है। यहाँ पे मैं 2 टाइप के वार्निश आपको दिखा रही हूँ, जैसे कि मेरे पास है एक क्लियर वार्निश और दूसरा है जो उड़न वार्निश, भी क्लियर है बट वो कुछ टाइम के बाद थोड़ा येलो हो जाता है। वार्निश देने के बाद ये ब्यूटीफुल सा वॉल हैंगिंग आप 2 टाइप से यूज कर सकते हो। एक जैसे कि आपके कुछ स्टोरेज, छोटे मोटे सामान रखने के लिए आप यूज कर सकते हो, या अदरवाइज आप उसमें छोटे से प्लांटर, वो आर्टिफिशियल प्लांटर लगा के आप एंट्रेंस में भी उसको डेकोरेट कर सकते हो। सो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा वेस्ट मोबाइल बॉक्स से? अगर मेरा आइडिया अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। Thank you very much for watching and supporting.